देखता हुआ बड़े शौक से तस्वीरें लेता फिरता था कि देखो हर जगह कितने मुख्तलिफ अंदाज से क्या किया गया। फिर वहां के वुडन फ्लोर्स देखता था कि कौन सी लकड़ी को किस तरह से अरेंज किया गया और क्या डिजाइन्स हैं, और मैं कभी उस पर कोई हद नहीं लगा सका कि वो डिजाइन मैंने पहले कहीं देखा था। हर जगह का एक बड़ा खूबसूरत सा डिजाइन, ये अप्रिसिएशन हमेशा रहा। गैलरीज, आर्ट गैलरीज में भी आता जाता भी रहा, कुछ आर्ट गैलरीज फैजी रहीमीन वाली कराची के अंदर डेंसो हॉल के पास, उसको भी उजड़ते हुए भी देखा कि वहाँ पर कुछ नहीं। एक मतलब पता नहीं कब की बात है, 20-25 साल पहले मैं गया था, बड़े शौक से देखा, फिर उसके बाद उसको वीरान भी देखा। ये आर्ट और कभी कभी बड़ा शौक होता है कि कुछ करें, शायद फिल्म के एतबार से भी। आई वॉज जस्ट बींग टोल्ड टूडे बाई द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि पाकिस्तान कभी दुनिया में इन द 60s वो तीसरे नंबर पर था इन द नंबर ऑफ फिल्म प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, दुनिया में तीसरे नंबर पर था। तो और अब वो कहीं गिनती में भी नहीं है, और आपको ताज्जुब होगा पिछले 5-6 साल में, 8-10 साल के अंदर द फिगर वॉज गिवन टू मी के पश्तों की फिल्म कोई नहीं बनी, पंजाबी की कोई फिल्म नहीं बनी। अच्छा, मगर इसके अंदर भी एक अजीब पाकिस्तान के अंदर एक तनाव सा है। एक फिल्म में देख कर आया जवानी फिर नहीं आनी, और मैंने सोचा कि यार इतनी अच्छी फिल्म थी, पाकिस्तान के अंदर अच्छी फिल्में बनने लगी हैं, मैं फिल्में देखने का शौकीन हूं। तो मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आए तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरा दिल कर रहा है कि पब्लिक में भी इसको अप्रिशिएट करूं। तो मैंने बड़े अच्छे, बड़ी एहतियात के साथ मैंने ट्वीट किया कि मैं फिल्म देखने गया, तो आपको ताज्जुब होगा सुनकर, बहुत अप्रिसिएशन भी हुआ। मगर एक बहुत बड़ा तबके ने कहा कि कहाँ तुम बात करते हो रियासत मदीना बनाने की, और कहाँ तुम फोर्श फिल्में देखने जा रहे हो। तो ये तजाद और ये तनाव जो है ना, ये माशरे में आर्ट को आने आगे आने नहीं देता। आर्ट की भी कुछ हुदूद का तयन हो चुका है कि इससे आगे तुम नहीं जा सकते, कम वक्तों अगर गए तो तुम्हारा पूरा आचर किया जाएगा। वो आर्ट तो हर चीज में फैला हुआ है ना, आर्ट सोशल इश्यूज को भी रिफ्लेक्ट करता है। आर्ट शायर जो होता है वो गम की एतबार से एक अक्कासी करता है। इतना खूबसूरत हमारा विरसा है पोएट्री का, जिसको शायद अब नई कौम इतना पहचानती ना हो। तो मैं आज ही बैठकर एक चीज़ ये तय कर रहा था कि गालिब के एतबार से कोई प्रेसिडेंसी के अंदर कोई मुशायरा रखा जाए। अब आप लोगों ने मुशायरे में भी नहीं बैठे होंगे, बहुत ज़माने से नहीं बैठे होंगे। हम बचपन में जाया करते थे, मेरे मामू को बड़ा शौक था मुशायरों में जाने का, PIB कॉलोनी में जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं जनाब, और मुशायरों में जनाब आलती पालती मार कर बैठ कर मुशायरे सुनते थे। अब वो माहौल कुछ कमज़ोर सा हो चला है, तो कोशिश ये है कि प्रेसिडेंसी के अंदर गालिब की याद के अंदर कोई मुशायरा किया जाए, उसके बाद देखा जाएगा जब लोग मेरे ऊपर इतराज़ करें। पहले कदम तो उठाए। इसी एतबार से जनाब आपको, आपने ये फरमाया कि शायद प्रेसिडेंट ऐसी महफिल में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूं जमील नक्श साहब की गैलरी को इंशाल्लाह मैं कराची में 29 को शायद जाऊंगा और उसको भी इनॉग्रेट करने के लिए। और गालिब के जो प्रोग्राम है उसके अंदर साथ साथ मैं ये भी चाह रहा था कि कोई दास्तान गोई हो इसके अंदर। बड़े अच्छे अच्छे जनाब ज़िया मुहीउद्दीन साहब, आई डोंट नो हाउ उनकी सेहत कैसी रहती है, कि वेदर ही विल बी एबल टू डू दैट। नसीरुद्दीन शाह साहब फ्रॉम इंडिया, बड़े अच्छे अच्छे। यानी आप अगर बलूचिस्तान जाएं तो आपको ताज्जुब होगा कि मुलाकात जब होती है तो वो कहते हैं हाल अहवाल सुनाओ। फासले इतने थे कि लोग कभी कभी घंटों एक आदमी, मतलब वो हाल अहवाल का मतलब ये था कि जब तुम 2 साल पहले आए थे उसके बाद आज आए हो तो वो जो 2 साल में गुजरा है वो सारा सुनो। ये बिल्कुल यही कैफियत होती थी। तो लिहाजा वहां तो अभी भी हाल अहवाल इज अ डिटेल्ड मीटिंग बलूचिस्तान के कल्चर में। और ये जो दास्तानें थी और इसके 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 हवाले से
people used to, three generations before, people used to have a tremendous memory of things. Meri ek nani thi, jo itni unko bariki se rishte yaad the. और वो सिर्फ इस वजह से कि उस जमाने में एक बात ये थी कि कोई हाल अहवाल के एतबार से और रिश्तों के एतबार से और लिंक्स के एतबार से चीज़ें याद रखता था. अब वो भी मौजूदा ज़माने में शायद उस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े. मगर अभी मैं गिलगित बल्तिस्तान गया तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर लोग और एक पर्टिकुलर रेस थी, उसके हवाले से उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की है, कुछ एक ज़बान को भी रिवाइव करने की कोशिश की है और उनकी जो दास्तानें हैं उनको भी डॉक्यूमेंट करके रिवाइव करने की कोशिश की है. आपने नारायण का और स्वात का यहाँ गम बयान किया. मैंने खुद नारायण मिसाल के तौर पर एक उस ज़माने में गया, 70s या 80s में 60s में भी गया एक मरतबा, फिर उसके बाद 70s और 80s में गया और उसका जवाल भी मैंने देखा कि यानी एक कूलर भरकर ट्राउट पकड़ी जा सकती थी और उसके बाद मुझे एक दो ट्राउट भी नहीं मिलती थी वहाँ पर. और जिस तरह से उन जगहों को नंगा किया गया तो बड़ा अफसोसनाक है. मगर मुझे ज़्यादा अफसोस ये हुआ और मैं इससे रिलेट करना चाहता हूँ जो आज आपने दिखाया, ज़्यादा अफसोस ये हुआ कि पिछले दिनों मैं स्कर्दू और फेरी मेडोज और गिलगित और हुंजा की वैली में गया और मुझे अफसोस ये हुआ कि नेचर को जैसे रहना चाहिए, मुझ जैसा आदमी जो कराची के अंदर हमेशा सड़ता रहा कि ये ज़मीन पर भी कब्जा हो गया, इसके ऊपर भी इमारत बन गई, कराची कॉन्क्रीटाइज हो गया एंड दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ बिग पेन. बट आई डिड, मुझे इतना इत्तेफाकन कहता हूँ, कोई ऑर्गेनाइज शौक नहीं था. मुझे शीरीबाई जिना, फातिमा जिना की बहन थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की बहन थी, जब वो हयात थी तो मेरी मरीज़ा थी और व्हेन शी इन द लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ हर लाइफ शी मेड मी अ ट्रस्टी ऑफ ऑल हर प्रॉपर्टी विच इंक्लूडेड वन ऑफ द ट्रस्टी, जिसमें ए के ब्रोही साहब भी थे और बड़े सीनियर और अच्छे लोग थे. तो उन्होंने ट्रस्ट बनाया, मोहट्टा पैलेस को भी उसमें दिया, अपना जेवर भी दिया और कुछ शेयर्स वगैरह बहुत कुछ जो था वो दिया. अच्छा, उसको हमने प्रिजर्व करने की कोशिश की. तो मैं कुछ अरसे के लिए जब अमेरिका पढ़ने गया तो जैसे ही उनका इंतकाल हुआ तो ऑफ ऑल थिंग्स पुलिस का गार्ड वहां लगा दिया गया. हम बड़े खुश हुए कि भाई पुलिस का गार्ड लग गया, अब सब चीजें सेफ रहेंगी. यू कैन नॉट इमेजिन कि पुलिस के गार्ड्स ने मिलकर जितनी चोरियां वहां पर की ना. यार एक दिन खबर छपी अखबार के अंदर कि कायद आजम की कमीजें जो हैं वो लंडा बाजार में हैं. इमेजिन ऑनेस्टली, एक दिन मैं वहां पहुंचा तो जनाब वो जो दो पुरानी गाड़ियां खड़ी थी जिनको सैलवेज कर लिया गया, उसमें तीन चार लड़के आकर उसको बैटरी लगाकर स्टार्ट कर रहे थे. तो पुलिस के गार्ड के अंदर ये सारी. नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी की, जो कि PNCA में मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे हैं और आज इस तकरीब का मौजू है आर्ट फॉर क्लाइमेट चेंज. इस हवाले से उनका ये कहना था कि आर्ट समाजी मसाइल से जुड़ा हुआ है, खास तौर पे आर्ट गैलरीज में जाने से जमालियाती ज़ौक में इजाफा होता है और ख़ास तौर पर ऐवान सदर में अदबी नशिस्त का अहतमाम भी किया जाएगा. इस हवाले से उन्होंने अपनी कोशिशों का इजहार भी किया.